हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। लोकसभा का चुनाव अब बहुत नजदीक आ गया है। उम्मीदवार जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रयास में जुटे हुए हैं काफी दिनों से। जलगांव के राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के उम्मीदवार जो युति है राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस और उनके साथ जो पक्ष है उनकी उनके उम्मीदवार गुलाबराव देवकर काफी समय से प्रयास कर रहे हैं और इन्हें चूंकि पहले से ये बात की जानकारी मिल चुकी थी, इनके पक्ष से इन्हें आदेश आ चुका था तैयार रहने का, तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि ये प्रचार में बहुत आगे निकल चुके हैं जो दूसरे पक्ष हैं उनसे। इनसे पूछते हैं कि इनकी तैयारियों के बारे में इनका क्या मानना है, किस तरीके से ये तैयारियां करें। अप्पा, अभी तक जो चुनाव के बारे में बातें फैल रही है उसमें यही देखा गया है, हम भी जब किसी से बात करते हैं तो यही देखते हैं कि आपकी हवा काफी तेज चल रही है, आपको क्या लगता है इस बारे में? ये बात सही है। मैं कम से कम एक महीने से जलगांव लोकसभा मतदार संघ में संपर्क करने का काम कर रहा हूँ। मुझे आपको कहने में खुशी है कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा वातावरण बना हुआ है। लोगों की ये भावना है कि गुलाबराव देवकर अप्पा जो है ये सर्वसामान्य स्तर का आदमी है, ये जनता में और लोगों के काम करने में हमेशा आगे रहते हैं। जो भी पदों पे मैंने काम किया है उसके माध्यम से मैंने जनता को न्याय देने का काम किया, जनता के काम करने का प्रयास किया और हमेशा मैं जनता में रहने वाला कार्यकर्ता हूँ। और मेरे जलगांव ग्रामीण मतदार संघ में भी मैंने जो प्रोग्रेस किया, मतदार संघ का कायापलट किया, बदलाव किया, वो जो है वो ये जलगांव लोकसभा मतदार संघ के नागरिकों के सामने उनको मालूम है, इसके लिए मुझे वो मान्यता दे रहे कि ये गुलाबराव देवकर एक काम करने वाला आदमी है, कार्यकर्ता है। जलगांव लोकसभा मतदार संघ में यदि इनको संधि दी गई, चांस मिला तो ये काम करेंगे और मतदार संघ का भी डेवलपमेंट करेंगे। आपके सामने में तो प्रमुख रूप से बीजेपी ही है, तो बीजेपी बार बार पहले उम्मीदवार चेंज कर रही थी, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या होगा, क्यों इस तरीके के बिहेवियर्स है बीजेपी के? आदरणीय पवार साहब ने मेरी उम्मीदवारी जब डिक्लेयर की उसी दिन से जलगांव लोकसभा मतदार संघ में एक अच्छा वातावरण हमारे लिए बना। कांग्रेस राष्ट्रवादी और आघाड़ी पक्ष का मैं उम्मीदवार हूँ। लोगों की भावना ये है कि इसके पहले भी 20 साल भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मौका दिया और उसमें देखा जाए तो ये मतदार संघ में काफ़ी दिन से यानी 20 साल से कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, इसलिए लोग नाराज है। लोगों की भावना ये है कि अभी परिवर्तन चाहिए और मैं जो हूँ मेरे बारे में लोगों को नज़दीक से मालूम आता है कि ये विकास का काम करेंगे, मतदार संघ की डेवलपमेंट करेंगे, इसके लिए लोग मुझे चाहते हैं और मेरे लिए लोगों की तैयारी भी है। अपक किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे, क्या डेवलपमेंट चाहते हैं आप? इस मतदार संघ में बेरोजगारों का बड़ा प्रॉब्लम है। मोदी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में आश्वासन दिया था भाई हम 2 करोड़ लोगों को, युवकों को रोजगार देंगे, लेकिन एक भी युवक को रोजगार मिला नहीं, उल्टा काफ़ी कामगार बेरोजगार हुए हैं, इसलिए लोगों का भरोसा अभी नहीं रहा है। युवक जो है इसके लिए काफ़ी नाराज है और किसानों की भी वही हालत है। किसानों के लिए भी जो आश्वासन दिए थे उसमें से एक भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ग्रामीण एरिया और सिटी में भी काफ़ी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पे और मोदी सरकार पे आए। आप स्थानीय जो समस्याएं हैं वो कितना असर करेगी आपके चुनाव पे? स्थानिक समस्या जो है वो काफ़ी असर करने वाली है क्योंकि विकास के काम 20 साल में नहीं हुए, इसके लिए जनता नाराज है और जनता ये सोच रही है ऊपर कुछ भी हो, इसकी भी सरकार आई तो भी चलेगा, लेकिन स्थानिक में गुलाबराव देवकर ही उम्मीदवार अच्छे रहेंगे और वही काम कर सकते हैं। इसके लिए
उनको ही चांस देना चाहिए, ये भावना लोगों में है। अपा क्या अपील करना चाहेंगे आप जलगांव के लोगों से? जलगांव के लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि आप आने वाली 23 तारीख को मुझे मतदान करो। मेरी निशानी जो है घड़ी निशानी है, क्रमांक 2 का मेरी निशानी है, 2 नंबर का बटन दबाइए और मुझे भारी मत से इलेक्ट कीजिए। और मैं खासदार बनने के बाद इस मतदार संघ में डेवलपमेंट करने का काम करने वाला हूँ। मतदार संघ का काया पालट करने के लिए मैं आपके साथ हूँ, यही मैं जनता को, नागरिक लोगों को आह्वान करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू अप्पा। ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी के उम्मीदवार गुलाब राव जी देवकर। इन्होंने ये कहा है कि जो समस्याएं हैं भले वो स्थानीय लेवल पे हो, उनको ये सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। गुलाब राव देवकर के बारे में थोड़ी सी जानकारियां आपको देखता चलूं तो ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और जब ये मंत्री थे तब इनका जो जनसंपर्क था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और ये एक बेस हो सकता है इनके लिए, एक अच्छी बात हो सकती है कि ये पहली पसंद बनेंगे। 40 गांव से बीजेपी के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो उनको यहाँ से दूर देखा जा रहा है, शहर से दूर देखा जा रहा है, और भले ही लोग ये कहते हों कि गुलाब राव देवकर भी 40 गांव से ही बिलोंग करते हैं, 40 गांव में ही थे, तो जैसी सिंपथी, जैसी चीजें 40 गांव में उन्मेष पाटिल के लिए है, वैसी सिंपथी गुलाब राव देवकर के लिए नहीं होगी, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा। जिस तरीके से वो वहां मजबूत है, इस तरीके से समूचे जिले में गुलाब राव देवकर जब मंत्री थे तो बहुत अच्छा प्रभाव डाला करते थे, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा गुलाब राव देवकर के लिए कि जब ये मंत्री थे तो हर किसी की मदद इनकी आज मदद कर सकती है। जलगांव से आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज़ के लिए।